احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear students السلام عليكم ورحمه الله وبركاته today inshallah we have to discuss ledger plus trial balance chapter 6 aapke syllabus ka hum padh rahe the last class mein chapter 6 ka naam hai double entry and ledger accounting double entry already we have discussed लेजर अकाउंटिंग इंशाल्लाह आज मैं स्टार्ट करूंगा उसके साथ चैप्टर 7 जो है ना ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस हम लेजर को देख के बनाते मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी ये बैक टू बैक आपकी अकाउंटिंग साइकिल हमने कहा था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और फिर जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पे ट्रांजेक्शन होती है जिस तरह ये आपके सामने एक सवाल मौजूद है और इसकी रिक्वायरमेंट टॉप पे लिखी हुई है कि प्रीपेयर द डबल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस दीज आर बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ट्रांजेक्शंस की जो रिकॉर्डिंग है वो हम डबल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और जिसको हम डबल एंट्रीज या जनरल जर्नल या जर्नल एंट्रीज कहते हैं लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था और सेकेंड लास्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाया था मैंने जर्नल एंट्रीज का और फिर होमवर्क दिए थे आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करें और फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो लास्ट क्लास में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इस सवाल को दोबारा आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इसी सवाल की हम आज फर्दर जो अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हैं उसको इंशाल्लाह देखेंगे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है जर्नल में जिसको जनरल जर्नल भी कहते हैं और अगर आप ये देख रहे हैं ये पूरा सवाल सॉल्व हुआ है कोई मुश्किल सवाल नहीं था बहुत स्ट्रेट सवाल था और इस सवाल में 10 ट्रांजेक्शन थी मुझे याद है अगर आप ट्रांजेक्शन काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 10 थी और 10 ट्रांजेक्शन का मतलब एटलीस्ट 20 हेड्स तो हैं लेकिन 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं 20 एटलीस्ट इसलिए कि आपके पास अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री नॉट ऑन सिंगल एंट्री तो 10 ट्रांजेक्शन होगी कम से कम 20 हेड्स लाजमी है और अगर कंपाउंड ट्रांजेक्शन आ जाए तो 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं इस पर पहली ट्रांजेक्शन कंपाउंड थी बाकी सब सिंपल थी और पहले ट्रांजेक्शन में 3 टाइटल थे तो ओवरऑल 21 टाइटल थे देखिए अब ये 21 टाइटल क्यों मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं बिकॉज के ये 21 टाइटल ऐसा नहीं था कि सब डिफरेंट थे इसमें कुछ रिपीटेशन भी है हमने कॉमन पे जाना था तो हमारे पास पहला टाइटल था कैश मैंने नंबरिंग दे दी थी रेफरेंस के कॉलम में बैंक को मैंने नंबर 2 कैपिटल नंबर 3 परचेज नंबर 4 बिल्कुल बेसिक सवाल है और ये सवाल मेरा ख्याल है सबको क्लियर होगा बिकॉज की ये ऑलरेडी होमवर्क था फिर मैंने खुद भी सॉल्व किया था क्लास में बिल्कुल सिंपल डबल एंट्रीज बनी हुई है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते तो क्या एंट्री बनती है फिर आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे तो क्या एंट्री बनती है गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे तो क्या एंट्री बनती है देन आप अगर प्रीपेड रेंट पे करें तो क्या एंट्री बनती है देन अगर आप कस्टमर से चेक रिसीव करें तो क्या एंट्री बनती है आप सप्लायर को चेक दें तो क्या एंट्री बनती है कैरिज एक्सपेंस आप पे करें कैश के थ्रू तो क्या एंट्री बनती है परचेज अगेन आपने क्रेडिट पे किए सेल्स आपने क्रेडिट पे किए और ये आपने क्या पे किया सैलरी एक्सपेंस थ्रू हाँ बैंक मतलब थ्रू चेक तो ये बगैर ट्रांजेक्शन की भी आपको ये जर्नल एंट्रीज देख के क्लिक हो रहा होगा कि ये ट्रांजेक्शन क्या है तो ये चीजें तो आपको पता है असल जो हमने आज सीखते हैं वो लेजर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 21 टाइटल हैं अगर आप ये कैश से लेके लास्ट आपका ये बैंक अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दूं यहाँ पे बस ये कैश आपका पहला टाइटल है और ये बैंक लास्ट है ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइटल 21 है लेकिन इसमें जो अगर हम रिपीटेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास 10 हेड्स है मैंने नंबरिंग अलॉट कर दी थी आप देख सकते हैं टोटल कितने हैं जितने सेपरेट टाइटल होंगे ना तो हर टाइटल का सेपरेट लेजर बनेगा
हर टाइटल का सेपरेट टी अकाउंट्स बनेगा। टी अकाउंट भी कहते हैं, लेजर भी कह सकते हैं, जर्नल लेजर भी कहते हैं और नॉमिनल लेजर, चार नाम बताए थे मैंने। इनफैक्ट ये चारों नाम मैंने लिखे भी होंगे, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। जर्नल लेजर ऑब्लिक लेजर ऑब्लिक टी अकाउंट्स या नॉमिनल लेजर। टी अकाउंट्स इसको कॉमनली रेफर किया जाता है बिकॉज इसकी शक्ल जो है ना वो टी से मिलती है। टी आप इसी तरह बनाते ना, तो ये इसलिए इसको टी अकाउंट कहा जाता है। अब ये जो टी अकाउंट है बेसिकली ये चूंकि टी फॉर्मेट से है इसलिए इसको टी अकाउंट भी कह सकते हैं। ये मैंने टी फॉर्मेट से बनाया है, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं अगर आपको समझाने के लिए एक मरतबा यहाँ पे बना के दिखा देता हूं। ये कैश के टी अकाउंट का ही असल में इसमें कॉलम्स मौजूद है जो भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं पहले इसको यहाँ पे एक दफा, अच्छा अब ये देखिएगा टी अकाउंट मैं दोबारा बना रहा हूं। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज स्टॉप टॉकिंग, बातें कोई नहीं करें प्लीज। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना उसमें कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। पहला कॉलम डेट का होगा, इधर देखिएगा। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा अगर छोटा सा कॉलम बनाना चाहो पोस्टिंग रेफरेंस, और फिर एक ये कॉलम होता है डेबिट का। ये एक साइड मुकम्मल हो गई, उसके बाद फिर डेट का कॉलम, फिर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये रेफरेंस का कॉलम और ये क्रेडिट का कॉलम, राइट। ये टी अकाउंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहलाता है। अब मैंने ऊपर एक टी अकाउंट बनाया है, अभी आप देखिएगा जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तो सिवाय प्रेजेंटेशन के आपको इसमें कोई एस सच डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये एक टी अकाउंट या लेजर मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ऊपर देखिएगा लेजर बना हुआ नजर आ रहा है ऊपर, आपको किस नाम से बनाया, कौन सा लेजर है, कैश का ना। मैं दोबारा यहाँ पे ये लेजर बनाने जा रहा हूं और इसका नाम हमने रख दिया कैश का लेजर ना, ठीक है, कैश अकाउंट। इधर देखिएगा कैश अकाउंट, ऊपर भी मैंने कैश अकाउंट लिखा है। अच्छा, कैश में पूरे सवाल में सिर्फ तीन ट्रांजेक्शन हुई थी अगर आपको याद हो, ठीक है। कैश में पूरे सवाल में सिर्फ कितनी ट्रांजेक्शन हुई थी, तीन। जब इसने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कैश इन्वेस्ट किया था। कैश जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, कैश की नेचर क्या है, एसेट। एसेट व्हेनेवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन, तो कैश हमारा डेबिट हुआ था 800 और जो करेंसी साइन था वो ये डेबिट वाला में, इधर देखिएगा। अच्छा, डेबिट को डीआरबी कहते हैं, मैंने शायद बताया था, और इसको सीआर। ये करेंसी साइन है यूके पाउंड या यूरो। ये डेट का कॉलम है, यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है पर्टिकुलर्स कि कैश क्यों डेबिट हुआ भाई, वाय। और ये पीआर का कॉलम पोस्टिंग रेफरेंस। इसी तरह दोबारा ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे डेट का, फिर ये पर्टिकुलर्स और फिर उसके बराबर में पी ऑब्लिक आर पोस्टिंग रेफरेंस। कौन सी तारीख को कैश आपने डेबिट किया है, फर्स्ट में। वजह क्या थी, क्यों, ड्यू टू, रीजन क्या थी, यानी जब आपका कैश डेबिट हो रहा था तो वो कौन सा अकाउंट था जो आपका क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। इसके बाद दोबारा कभी पूरे सवाल में कैश डेबिट हुआ था, नहीं, बल्कि कैश कितनी मरतबा क्रेडिट हुआ था, दो मरतबा। एक मरतबा कौन सी डेट पे, May 6। ये सारी चीजें सवाल में मौजूद है, ये ऑलरेडी करवा चुका हूं, बस ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं किसी वजह से। और 15 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ, पहली मरतबा कैश क्यों क्रेडिट हुआ, बिकॉज ऑफ
रेंट, ये था प्रीपेड रेंट, और सेकंड टाइम बिकॉज ऑफ कैरिज एक्सपेंस। अच्छा यहाँ पे कितना 180 और 38। ये लेजर इन दोनों में कोई आपको एज सच डिफरेंस नजर आ रहा है? सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? फिलहाल तो वो अमाउंट तो मैं भी बैलेंस निकाल दूंगा, अदरवाइज सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। ये फॉर्मेट कहलाता है टी फॉर्मेट, क्या कहलाता है? और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने फर्क क्या था, ये कॉलम किस चीज का, इसका मतलब है डेट का। मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाली, कॉलम स्केच नहीं किया। ये कॉलम किस चीज का था, मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली, कॉलम स्केच नहीं किया। और रेफरेंस के कॉलम को वैसे भी हम यूज, तो ये किसी का कॉलम हो गया डेबिट का, फिर ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। फर्क ये है कि इन दोनों में वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, अदरवाइज बोथ आर सेम। अच्छा अब यहां पे पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि व्हाई वी प्रीपेयर टी अकाउंट, बनाते क्यों है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जर्नल एंट्रीज जो होती है ना वो कॉमन होती है, मतलब उनको देख के आप बहुत सारी चीजें वन शॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कोई मैच होता है, किसी टीम ने 325 स्कोर किए 50 ओवर में। अब ये जर्नल है, क्या अभी इसमें ये पता है कौन से प्लेयर की कितनी कंट्रीब्यूशन है? नहीं पता ना, कौन से प्लेयर की कितनी कंट्रीब्यूशन है ये फिलहाल आपको नहीं पता। तो हर प्लेयर का इंडिविजुअल लेजर बना हुआ होता है कि बाबर आजम ने 150 बनाए, फखर जमान ने 78 बनाए, ठीक है, मोहम्मद वसीम ने या इमाद वसीम ने 40 स्कोर किए, वो इंडिविजुअल प्लेयर से पता चलता है। तो इसी तरह यहां पे जर्नल को जब आप देखते हैं ना, ये देखिए ये जर्नल है, लुक एट दिस, ये जर्नल है। अब ये जर्नल ने सब कुछ रिकॉर्ड तो कर दिया है, लेकिन खाली जर्नल को देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं कैश में टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हुई है विदाउट प्रीपेयरिंग अ लेजर? आपको पता ही, आप तो देखते सब कैश डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। मैं आपसे पूछूं कैश का आज कितना बैलेंस मौजूद है आपके पास, नहीं बता सकोगे। आपको कैश का सेपरेट क्या बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट। जिस तरह मैंने यहाँ पे कैश का सेपरेट लेजर बनाया तो ये मुझे पता चल गया कि मेरे पास कैश डेबिट हुआ था 800 से, यानी प्लस एसेट है ना, एसेट डेबिट का मतलब बढ़ना। कैश क्रेडिट कितने से हुआ, 218। इन दोनों को समअप करूंगा ना, 180 प्लस 38 218 होता है। अब मुझे बताएं, मैंने उस दिन भी आपको मिसाल दी थी, भाई अगर आपकी जेब में 800 थे, आप ऊपर कैफेटेरिया जाते, आपने 180 की बिरयानी और 38 की कोल्ड ड्रिंक, अगर आपने ये लंच कर लिया, तो क्या आपके पास 800 का बैलेंस रहेगा? अब आपका बैलेंस हो जाएगा 582, 218 माइनस हो गए, 218 रुपए आपने खर्च कर लिए आउट ऑफ 800, तो आपका बैलेंस कितना बच गया? अब मुझे बताएं कि डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड? डेफिनेटली डेबिट साइड यार, आप नंबर ऑफ क्वांटिटी पे नहीं जाइएगा, क्वांटिटी तो क्रेडिट की ज्यादा है, बट यहां करेंसी वैल्यू की बात हो रही है। 800 इज ग्रेटर देन 218, इसका मतलब है जहां पे डिफरेंस आ रहा है 582 का, एम आई राइट? और इसको कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, क्या कहते हैं, सी ऑब्लिक टी, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। और ये लास्ट डेट पे किया जाता है, मई की लास्ट डेट 31 होती है। अब ये क्यों किया, ताकि हम टी अकाउंट को क्लोज कर सके। अब आपने यहां पे लिखा 800 और यहां पर भी कितना लिख दिया, क्योंकि आपने डिफरेंस पुट कर दिया ना, ये सेम लाइन पे करना है। और इसको डबल क्लोज करते, सेम लाइन पे आपने इसको डबल क्लोज किया। अब ये बताओ, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था ना, ये सिर्फ क्यों लिखा था, ताकि मेरी दोनों साइड क्या हो सके, बराबर हो सके। मेरा असल बैलेंस किस साइड पे होना चाहिए लॉजिकली? भाई मैं आपसे एक मिसाल देता हूं, प्लस 8 माइनस 5, आंसर क्या आएगा, 3 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? क्यों प्लस का क्यों आएगा, बिकॉज के सर बड़ी वैल्यू प्लस की थी, प्लस वैसे लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो प्लस आएगा, वैसे अंडरस्टूड होगा प्लस, कॉमन सेंस से माइनस लिखना पड़ता है। तो अब आप लोगों ने कहा कि सर प्लस 3 आएगा बिकॉज के
एट और फाइव में एट जो प्लस के साइन के साथ है वो वैल्यू बड़ी थी। तो मेरे भाई मुझे ये बता दो, जब ये मैंने बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा था, जब दोनों साइड इक्वल नहीं की थी, तो मेरा डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा था या क्रेडिट वाला? तो इसका मतलब है कैश का जो एक्चुअल बैलेंस है वो कहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए? डेबिट साइड पे। बैलेंस तो वही रहेगा जो हमने कैरिट डाउन लिखा है। कितना बैलेंस बचा हुआ है आपके पास? इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ लोग कहते हैं सीएफ और बीएफ, यानी कैरिट फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड। मैंने यहां पे लिखा है सीडी और बीडी, एक ही बात है। अब आप बोलेंगे सर आपने वहां पर भी 582 लिखा, वहां जो लिखा है ना वो सिर्फ इसलिए लिखा है, बार बार कह रहा हूं, ताकि हम अपने टी अकाउंट को क्लोज कर सके दोनों साइड इक्वल करके। और फिर मैंने बता दिया चूंकि वो तो टेम्पररी तौर पे लिखा था। कौन सा टेम्पररी तौर पे लिखा था? कैरिट डाउन। ये भी 582 मेरे भाई, दोनों 582 है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे पास आज कितना कैश का बैलेंस है, सिर्फ बैलेंस पूछ रहा हूं पहले। अब अगला सवाल, ये कैश का 582 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? हाँ, अब यहां पे आप लोगों ने डेबिट कहा, मैंने इसको सर्कल कर दिया, ऊपर भी मैंने सर्कल किया हुआ है। कुछ बच्चों को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर आपने बच्चों से पहला सवाल पूछा कितना बैलेंस है, बच्चों ने बोला 582, लेकिन आपने दूसरा सवाल जब किया कि 582 डेबिट है या क्रेडिट, तो मेजोरिटी ने कहा डेबिट। हालांकि कोई बच्चा ये भी सोच सकता है सर ये देखिए क्रेडिट पे भी तो 582 आ रहा है, व्हाई वी आर गोइंग टू से के डेबिट, व्हाई नॉट ऑन क्रेडिट, ये देखिए 582 क्रेडिट। तो याद रखे जो एक्चुअल बैलेंस होता है ना वो ब्रॉट डाउन होता है, कैरिट डाउन कभी भी एक्चुअल बैलेंस कैरिट डाउन जिस लोकेशन पे होगा ना वो लोकेशन एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल लोकेशन कौन सी वाली है? ब्रॉट डाउन वाली। बस ये उसकी लॉजिक भी है, कोई रट्टा नहीं है। अभी मैंने आपको कहा ना भाई कैरिट डाउन तो जब मैंने लिखा है जब दोनों साइडें बराबर नहीं थी, कौन सी साइड बड़ी थी? तो इसका मतलब है एक्चुअल बैलेंस रिफ्लेक्ट भी कहां होना चाहिए। हाँ, अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड हैवी होगी, डेबिट साइड लेस होगी, तो मैं कैरिट डाउन कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। लेकिन मैं कहूंगा एक्चुअल बैलेंस किस साइड पे होगा? वो ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। अमाउंट सेम होगी, ये बात ध्यान में रखिए, जो अमाउंट कैरिट डाउन होता है वही ब्रॉट डाउन होता है। कैरिट डाउन जस्ट टू इक्वल बोथ साइड, ब्रॉट डाउन एक्चुअल बैलेंस अपनी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर नाउ? एनी ऑब्जेक्शन? तो ये टी अकाउंट ऑलरेडी आधा मौजूद यहाँ पे, फिर भी मैंने दोबारा बना दिया, इसलिए बना दिया ताकि आपका जो लास्ट क्लास में बच्चे एबसेंट थे उनका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। दूसरी बात ये है, उस दिन जो मैंने लेजर बनाया था वो मैंने सिंपल टी फॉर्मेट से बनाया था, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सारे सवाल भी डिस्कस किए थे, टाइम बहुत कम बचा था आखिर में, और मैंने क्वेश्चन 3, 4, 5 पूरा गो थ्रू किया था, क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में ये जो मैंने अभी आप लोगों को दोबारा टी अकाउंट बना के दिखाया, ये टी अकाउंट का बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन मैं अब जो टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के रिमेनिंग, वो सारे के सारे कौन से फॉर्मेट में बनाऊंगा? टी फॉर्मेट, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम टाइम को बचाना चाह रहे हैं फिलहाल। और वैसे भी नॉर्मली आप जब आगे जाके अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ज्यादातर आप जब मैनुअल चीजें करेंगे तो आप टी फॉर्मेट से ही बनाते हैं, रियल लाइफ में जाएंगे तो अब तो सारी चीजें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग है, तो वहां तो बने बनाए लेजर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मौजूद होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बताएं, मैं दोबारा सवाल आपके सामने रखता हूं और इस चीज को मैं यहां से अब थोड़ा सा माइनस कर देता हूं फिलहाल। ये आपका सवाल था, ये इसकी जर्नल एंट्रीज थी। इन जर्नल एंट्रीज को देखते हुए एक लेजर हम बना चुके, कौन सा लेजर? कैश का। क्या कोई मुझे बताएगा कि सेकंड लेजर किसका बनाऊंगा? मैंने ऑलरेडी नंबर अलॉट कर दिए सीक्वेंस में, बैंक का लेजर, यानी बैंक का टी अकाउंट। अब ये जो बैंक का लेजर है इसमें हमने ये देखना होगा कि बैंक में ट्रांजेक्शन कहां कहां पे हुई, ठीक है, और इसके साथ मैं एक लेजर स्केच कर रहा हूं। स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट।
बातें नहीं प्लीज। बैंक अकाउंट आप चाहे तो नंबर भी यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे टी अकाउंट नंबर वन था, ये टी अकाउंट नंबर टू, कौन सा अकाउंट बनाने जा रहा हूं? आपने ये चेक करना है बैंक में ट्रांजेक्शन कब कब हुई। उस दिन मैंने एक बात बोली थी, जब मैं ये जर्नल एंट्री बना रहा था ना तो मेरे पास सोर्स क्या मौजूद थी, ये जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई, ट्रांजेक्शन को देखिए, ये सोर्स थी। अब जब मैं लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूं ना तो मेरे पास सोर्स क्या है। वैसे तो मैं डायरेक्टली ट्रांजेक्शन से भी बना सकता हूँ, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा नॉन कॉमर्स के लिए खासतौर पर। हम अभी सोर्स सामने क्या रखेंगे, जर्नल एंट्रीज। वेरी फर्स्ट डे बैंक डेबिट हुआ 2200 यूरो। रीजन क्या थी, क्यों बैंक में पैसा क्यों आया, क्यों डेबिट हुआ, बिकॉज ऑफ रीजन रिवर्स साइड पे होती है। तो क्या मैं यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दू 2200 यूरो? और अमाउंट मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूं, ये हमारी करेंसी अमाउंट है, ठीक है, ये करेंसी साइन। ये कौन सी तारीख की ट्रांजेक्शन है, मई फर्स्ट। इसकी रीजन क्या है, स्पेस कम है, मैंने सीएपी लिख दिया, मतलब कैपिटल। इज दैट क्लियर? अब जरा आगे आ जाए, जो लिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है राइट नाउ स्टॉप राइटिंग कर दे। देखिए आप लोग सेल्फ घर जाके टाइम दिया करें स्टडीज को अपनी, और क्लास में टीचर जब एक्सप्लेन करे उसको समझने की कोशिश करें, वरना आप मल्टीटास्किंग करोगे समझ नहीं आएगा। बैंक में पहली ट्रांजेक्शन इस दिन थी, उसके बाद गौर से देखिएगा क्या सेकंड ट्रांजेक्शन जो सेकंड मई को हुई है उसमें बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, 4 तारीख को, 6 तारीख को, 9 तारीख को बैंक डेबिट हुआ दोबारा, क्योंकि हमें कस्टमर ने चेक दिया है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 9 को बैंक दोबारा डेबिट हुआ 240 से, एम आई राइट? और स्पेस कम है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं टाइटल बहुत शॉर्टकट लिख रहा हूं, ए ऑब्लिक आर, अकाउंट रिसीवेबल मे की 9। उसके बाद अगर आप गौर से देखिए मे की 12 को बैंक क्रेडिट हुआ, एम आई राइट? अच्छा, बैंक चूंकि बाय नेचर एसेट है, डेबिट होगा तो मींस आपके जहन में आना चाहिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और क्रेडिट होगा मींस आपका बैंक बैलेंस। पहले 2200 से बैंक डेबिट हुआ बिकॉज आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद 9 तारीख को 340 से बैंक अगेन डेबिट हुआ बिकॉज के आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया और आपने बैंक में जमा करवा दिया होगा। 12 तारीख को बैंक डेबिट हो रहा है या बैंक क्रेडिट हो रहा है? बैंक क्रेडिट हो रहा है मींस आपने पेमेंट किए, पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्रेडिट हुआ है तो हम यहाँ पे 400 से बैंक को क्रेडिट करेंगे। इट वॉज मे 12 और एपी मतलब अकाउंट्स पेबल। उसके बाद 15 तारीख को वी डोंट हैव एनी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, 18, 21 नो, बट ऑन लास्ट डे हमने सैलरी पे की इंप्लॉइज को थ्रू चेक, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बैंक कम होता है तो क्रेडिट एसेट है, और ड्यू टू सैलरी, ठीक है। 31st, एनीथिंग एल्स? नो, वी डोंट हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन इन बैंक। अब आपको बैंक के लेजर को भी बैलेंस करना है, इसके लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। देखिए ये 4 ट्रांजेक्शन है अलग है, लेकिन अनलेस एंड अंटिल कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता होगा आज आपके बैंक अकाउंट की क्या पोजीशन है। तो लेजर का मकसद क्या हुआ, हर हेड का सेपरेट रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए कि कौन से हेड में कितनी ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी मौजूद है और आज उसका बैलेंस क्या है, कैश का आज बैलेंस क्या है 1 महीने गुजरने के बाद इसके पास 582। इसी तरह जब मैं इसको बैलेंस कर दूंगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में आज कितना बैलेंस मौजूद है। अब आप देखिए डेबिट साइड पे जो अमाउंट है वो काफी बड़ी है, 2200 प्लस 240,
इट वुड बी 2440 और वहां पे सिर्फ 630 है, तो डेफिनेटली 2440 इज ग्रेटर देन 630। तो ये बताए कौन सी साइड बड़ी साइड है, डेबिट साइड। डेबिट साइड पे जो वैल्यूज है वो डेफिनेटली यहां पर भी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट। तो आपने 2440 में से माइनस करना है कितना, 630। तो आंसर कितना आएगा, 1810। अब ये देखिएगा क्या ये जो 1810 है ये बैलेंस कैरिड डाउन कहलाता है। क्या एक्चुअल बैलेंस बैलेंस कैरिड डाउन होता है? बैलेंस कैरिड डाउन कौन सी तारीख को किया जाता है, लास्ट डेट पे नॉर्मली, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये जो बैलेंस कैरिड डाउन हमने लिखा बिकॉज के ताकि हम अपने लेजर की बैलेंसिंग कर सके बोथ साइड पे, तो हमारे पास ये अब बैलेंसिंग आ जाएगी बोथ साइड पे 2440। एम आई राइट? अच्छा अब हमारे पास ये जो 2440 है क्या ये एक्चुअल बैलेंस है या 1810 बैलेंस है? तो अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पे लिखूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी ऑन द डेबिट साइड 1810। और मैं अक्सर ये स्टूडेंट को समझाने के लिए कुछ चीजें करता हूं, ये सर्कल कर देता हूं, एक एरो बना देता हूं, ताकि आपको ये जहन में रहे कि आपका अब एक्चुअल बैलेंस 1810 जरूर है, लेकिन 1810 तो दोनों साइड पे सर नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे भी आ रहा है, और हम एक्चुअल किसको मानेंगे, ब्रॉड डाउन को, ये नहीं बोलना डेबिट साइड को, ब्रॉड डाउन, क्योंकि हर ब्रॉड डाउन डेबिट पे नहीं होगा, ब्रॉड डाउन एक्चुअल बैलेंस जो आगे जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? नेक्स्ट लेजर बताएं किसका बनेगा, कैपिटल अकाउंट या टेलर्स कैपिटल, एक ही बात है, कैपिटल में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हुई है बस, इसके अलावा पूरे सवाल में देयर इज नो फर्दर ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। कैपिटल का एक सिराते मुस्तकीम छोटा सा लेजर बन जाएगा। टेलर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कर दें, एक ही बात है। अच्छा ये बताएं टेलर्स का जो कैपिटल है, जब इसने बिजनेस को स्टार्ट किया था हाउ मच, कितना? अच्छा ये बताएं फॉर 3000 क्रेडिट हाउ मेनी रीजंस आर देयर, टू या टू, नंबर वन इज कैश एंड नंबर टू इज बैंक, राइट? दो रीजन है यहाँ पे, कैश और बैंक। अच्छा ये बताएं कि कैपिटल क्रेडिट हुआ तो 3000 वन शॉट लिखूंगा या 800 और 2200, बिकॉज के 800 की रीजन क्या है और 2200, और ये कौन सी तारीख की ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट में। इज दैट क्लियर? एनीथिंग एल्स? डू वी हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन इन कैपिटल अकाउंट? श्योर? ओके, अब क्या करेंगे, इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट, विच वन इज हायर, डेबिट और क्रेडिट, बिकॉज देर इज नो अमाउंट ऑन द डेबिट साइड। मीन्स ये जो आपके पास क्रेडिट पे 3000 है, यही 3000 यहाँ पे रिकॉर्ड होगा किस नाम से? वेरी गुड, बैलेंस कैरिड डाउन 3000। और आपके पास जो अब यहां पे तब्दीली आ गई है, इससे पहले जो दो लेजर मैंने बनाए थे उन दोनों लेजर में जब मैं बैलेंस कैरिड डाउन लिख रहा था तो वो कौन सी साइड पे आ रहा था, बैलेंस कैरिड डाउन आता था क्रेडिट साइड पे, यानी डेबिट साइड हैवी थी। यहां पे आपकी कौन सी साइड हैवी नजर आ रही है, और डेबिट पे जीरो था, तो पूरा 3000 रुपए हमारा कैरिड डाउन हुआ, तो ब्रॉट डाउन भी कितना हो जाएगा 3000। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, वो मैं अक्सर जब ये खास तौर पे ये वाला लेजर बनाता हूँ तो एक बात बच्चों को जरूर बताता हूँ, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हुए नजर आते, और वो मिस्टेक बेसिकली ये है
कि स्टूडेंट जो है ना, मैं खास तौर पे यहाँ समझाने के लिए, आप शायद देख रहे होंगे, मैं ये एरो बना रहा हूं और ये इसको सर्कल कर रहा हूँ ब्रॉड डाउन को, और उसकी वजह मैंने आपको ये बताइए ताकि आपको ये जहन में रहे कि आपका एक्चुअल बैलेंस, और ये बैलेंस मुझे आगे यूज भी करने ट्रायल बैलेंस के लिए, तो वो आपके बैलेंस ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड नहीं है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि ये जो मैंने 582 लिखा है ना, वो बजाय 582 के ना 800 लिख देते हैं, वो कैरिड डाउन के बजाय टोटल वाली वैल्यू। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं सर ये देखिए 3000 था, आपने भी तो 3000 लिखा है यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ 3000 लिखने की वजह ये है कि यहाँ तो एक साइड पे अमाउंट था, दूसरी साइड पे अमाउंट था ही नहीं, तो जो मेरा कैरिड डाउन था वही टोटल बना और वही भी ब्रॉड डाउन होगा। तो भाई मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, टोटल को देख के मैं कैरिड डाउन नहीं कर रहा हूँ ब्रॉड डाउन, मैं ब्रॉड डाउन किसको देख के कर रहा हूँ, कैरिड डाउन को, तभी मैं एरो बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगला जो लेजर होगा वो किसका बनना चाहिए, परचेजेस का, ठीक है, परचेज का लेजर बनाएंगे। और परचेजेस के लेजर के लिए हमारे पास, हमने देखना है कि परचेज में हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर देयर। तो आई थिंक सो के हमने दो मरतबा परचेजेस किए, क्योंकि ये सवाल जो है ना बहुत ज्यादा मतलब लेंथी नहीं है, और मैंने आपको शायद बताया भी था, मेरी इस सवाल को पिक करने की रीजन यही होती है कि इसमें लेजर लिमिटेड है। अगर मैं ये 10 लेजर भी बना दूंगा तो मेरा ख्याल है लेजर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब जरा इधर देखिएगा, परचेसेस, परचेसेस अकाउंट लिखो, परचेसेस लिखो, एक ही बात है, कुल्लू जायज, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए हमारे पास जो परचेज है, परचेज हमने डेबिट किया है 2 तारीख को, एम आई राइट, हाउ मच, 610। परचेज के डेबिट होने की रीजन क्या है, अकाउंट्स पेबल, ओके, परचेज डेबिट हुआ 610, रीजन वॉज अकाउंट्स पेबल, इट वॉज May 2, ओके। उसके बाद आप जरा गौर से देखिए, 4 तारीख को कोई परचेज की ट्रांजेक्शन हुई, 6 तारीख को, ओके, देन परचेज हुई है 18 मई, अगेन रीजन वॉज अकाउंट पेबल 291, राइट, ओके, अगेन रीजन है अकाउंट्स पेबल, और इट वॉज मे 18, एनीथिंग एल्स, डू यू हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन इन परचेसेस अकाउंट, ओके। इसका मतलब ये हुआ अब परचेज का लेजर हम बैलेंस कर सकते हैं। अब ये परचेज की पोजीशन आ जाएगी कि पूरे महीने में कितने की परचेज हुई, ऊपर कैपिटल का बैलेंस आ गया, कैश का बैलेंस आ गया, बैंक का बैलेंस आ गया, हर लेजर हर हेड की जितनी भी ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो बता देता है, आज क्या पोजीशन है वो बता देता है। तो परचेज का लेजर बता रहे, मिस्टर टेलर ने पूरे महीने में 2 मरतबा परचेजेस की, और ये ओवरऑल बनता है 901, एम आई राइट, ओके। अब ये चूंकि कौन सी साइड बड़ी है, सबको पता ही है, कुल्लू मालूम, ओके। तो अब हमारे पास मई थर्टी फर्स्ट को 901, ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, सी ऑब्लिक डी, नॉट यू फोन, राइट, अच्छा भाई ये 901 जो है बोथ साइड पे आप टोटल करें, और उसके बाद ये बताएं बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा, सेम होगा, व्हाई, बिकॉज़ कि सर सिंगल साइड पे ट्रांजेक्शन है, मतलब रिवर्स साइड पे ट्रांजेक्शन का कोई फ्लो मौजूद ना मौजूद, राइट, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन वुड बी 901, जो आपका कैरिड डाउन था वही आपका, लेकिन जो एक्चुअल बैलेंस था बिफोर बैलेंस, बड़ी साइड कौन सी थी, वेरी गुड,
That's why हमारा बैलेंस भी किस तरफ आ गया, डेबिट साइड पे। अच्छा अभी चार लेजर हमने बना दिए, पांचवा लेजर किसका बनेगा? अकाउंट्स पेबल। जी क्या कह रहे हैं आप? और बीएफ जो होता है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है, बिल्कुल सही। किसी भी महीने का क्लोजिंग अगले महीने का, इनफैक्ट किसी भी साल का क्लोजिंग अगले साल का, इज दैट क्लियर? आपके पास रात को जो पैसे थे वो आपका रात का क्लोजिंग बैलेंस, सुबह अगले दिन वो आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है भाई? अच्छा भाई प्लीज कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट जो लेजर बनेगा दिस वुड बी अकाउंट्स पेबल, ऐसा ही है भाई? अगला लेजर किसका बनेगा? ओके अकाउंट्स पेबल। पेन चेंज कर दूं? उल्लू आया सही है। इज दैट क्लियर? ओके ऑल इज वेल। अकाउंट्स पेबल राइट, और अकाउंट्स पेबल में आप देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 तारीख को 610 रुपए क्रेडिट हुए क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई थी। लायबिलिटी व्हेन एवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन क्रेडिटेड। कौन सी तारीख का वाक्य है? मई की 2nd। लायबिलिटी क्यों बढ़ी थी? क्योंकि आपने गुड्स परचेजेस, PURCHASES, हजा परचेजेस राइट, बिकॉज ऑफ परचेजेस लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। उसके बाद अब सवाल पे देखिए तो अकाउंट्स पेबल आपको नजर आएगा दोबारा 12 तारीख को। आपने 400 रुपए अपने सप्लायर को पे कर दिए, 400 पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होती है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। रीजन क्या था? बैंक। अच्छा कुछ बच्चे समझे सर आपने बैंक को डेबिट साइड पे लिख दिया, तो भाई ये डेबिट साइड कौन से टी अकाउंट की है? अकाउंट्स पेबल बैंक के टी अकाउंट की नहीं है। और ये कौन सी तारीख का वाक्य है? 12 मई। ओके उसके बाद आ जाए प्लीज नेक्स्ट, अकाउंट्स पेबल आपकी 18 तारीख को। आपने दोबारा परचेजेस की 291, तो आपकी लायबिलिटी दोबारा बढ़ गई, तो 291 से आपकी लायबिलिटी बढ़ के दोबारा क्रेडिट हो गई। और ये लेजर नंबर 5 हम बना रहे, परचेजेस वाज द रीजन एंड इट वाज मई 18। एम आई राइट? ओके अब आप देखिए इसके अलावा वी डोंट हैव एनी मोर ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स पेबल। 3 मरतबा आपका अकाउंट्स पेबल हिट हुआ, 2 मरतबा बिकॉज आपने गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट। जब गुड्स परचेज करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और जब पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम होगी तो वेरी स्ट्रेट। अब आप देखिए टोटल लायबिलिटी थी 901, क्योंकि आपने टोटल परचेजेस भी क्रेडिट पे भी हमने देखा था कितने की थी 901। आउट ऑफ 901 हाउ मच यू हैव पेड? अगर मैंने 901 में से 400 पे कर दिए तो क्या मेरी लायबिलिटी जीरो हो गई? आज कितनी लायबिलिटी हाजा मौजूद? 501। ओके 501 इज द बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बताओ बैलेंस कैरिड डाउन किस साइड पे आ रहा है? इसका मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी ऑन द कितना, 901 या 501? 501। मैंने अभी सब बताया जो कैरिड डाउन होगा वही अमाउंट आपका, तो कैरिड डाउन कितना था आपके पास? तो इसका मतलब है आपका ब्रॉट डाउन भी कितना होगा? 501। देखिए अब आप इस लेजर को थोड़ा गौर और फिक्र करें ना तो आपको और ज्यादा लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर जैसे ये अकाउंट पेबल हमें ये बता रहा है कि पूरे महीने में हमने 901 रुपए की क्रेडिट पे खरीदारी की और उसमें से हमने 400 रुपए पे किए, आज हमारा लायबिलिटी का कितना बैलेंस है? 501।
लेजर आपको एक एक चीज बता देगा, राइट। जिस तरह मैं कह रहा था किसी प्लेयर का लेजर होता है, वो बता देगा बाबर आजम ने 150 के लिए कितनी बॉल फेस की, कितने फोर, कितने सिक्स, कितने सिंगल, कितने डबल, ईच एंड एवरीथिंग वॉज देयर, वहां मौजूद थी, जब इतने स्कोर उसने बनाया। तो याद रखे ये जो इंडिविजुअल लेजर होते ये आपको सब कुछ बता देते हैं। अच्छा अब एक बात सुने, इस वक्त हमें टोटल कितने लेजर बनाने थे? 10, क्योंकि हमने उसको काउंट कर लिया था। हाउ मेनी लेजर ऑलरेडी वी हैव डन? 50% हम लेजर बना चुके हैं, 50% लेजर रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात सुन ले कि आईसीएम और उसके मजाफात में नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता है, हम एक छोटे से नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह विल बी देयर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर विदाउट आउटसाइड आईसीएम में भी, ऊपर चले नमाज अदा करें इंशाल्लाह, और विद इन 15 to 20 minutes, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, इस वक्त 1:27 हो रहे आईसीएम और उसके मजाफात में, इंशाल्लाह आई विल बी देयर एट 1:45, 1:45 पे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं एक छोटे से नमाज ब्रेक के बाद। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन आफ्टर द नमाज ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, उठो जागो पाकिस्तान। और नमाज ब्रेक से पहले हम लेजर की फिजाओं में घूम रहे थे, झूम रहे थे, और लेजर को हम डिस्कस कर रहे थे, मौजूद बहस बनाया था लेजर को, प्यार से उसको टी अकाउंट कहा जाता है, गुस्से में उसको नॉमिनल लेजर कहा जाता है, और कॉमनली उसको जर्नल लेजर कहा जाता है, और वैसे उसको लेजर भी कह सकते हैं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, सारे ही नाम इसके हैं, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, राइट। अच्छा अब इसमें हमने बिफोर नमाज ब्रेक अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेजर कंप्लीट कर लिए थे, एम आई राइट? और हमने अपने सवाल को आसान करने के लिए पहले से नंबर अलॉट कर दिए थे। हमने पहला लेजर बनाया था कैश का, फिर बैंक, फिर कैपिटल, फिर परचेजेस और अकाउंट्स पेबल। अगला जो लेजर आपको नजर आ रहा है, लेजर नंबर 6, कौन सा है? अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट। कौन सा लेजर है? अकाउंट्स रिसीवेबल। आप ये जो आपका लेजर है इसकी नेचर है एसेट, अकाउंट रिसीवेबल बाय नेचर एसेट। अच्छा एसेट आपका बढ़ता है तो डेबिट, तारीख गवाह है आपने 4 तारीख को क्रेडिट पे सेल की, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया 340 से, नजर आ रहा है? तो यहाँ पे आप एक खूबसूरत सा टी अकाउंट और एड कर देंगे, और जिसका नाम होगा अकाउंट्स रिसीवेबल। लेजर नंबर 6 अकाउंट्स रिसीवेबल। प्लीज बी साइलेंट, नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। मई की 4 तारीख थी, वंस अपॉन अ टाइम आपने सेल की, अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिसीवेबल बढ़ गया 340 से। ये बताइए जब देखो भाई 340 से रिसीवेबल के बढ़ने की क्या रीजन है? कुल्लू मालूम, सबको पता है? ओके, तो जो सेल आपकी रीजन है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, और इट वॉज 340, एम आई राइट? ओके, उसके बाद जरा देखिए 4 तारीख के बाद, इधर देखिए 6 तारीख को कोई रिसीवेबल आया? 9 तारीख को? ओके, रिसीवेबल कम हो गया, चेक मिल गया। तो रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट, कितने से रिसीवेबल क्रेडिट हुआ? अब आप देखिए लॉजिकल जरा देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने 340 की सेल की 4 तारीख को, 9 तारीख को कस्टमर ने आपको 240 का चेक दे दिया, रिसीवेबल बढ़ गया ने कम हो गया? रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ने बैंक डेबिट, एम आई राइट? आपने 9 तारीख को बैंक वॉज द रीजन रिसीवेबल कम होके क्रेडिट हुआ 240 से। एक बड़ा आसान और सिराते मुस्तकीम सा मेरा सवाल है कि अगर मैंने 4 तारीख को 340 की क्रेडिट पे सेल की थी नंबर 1, जिसमें से 9 तारीख को कस्टमर ने मुझे 240 का चेक दे दिया,
तो क्या अभी भी मेरा रिसीवेबल 340 होगा? 100 रुपए का, हाँ 100। अब जो मेरा रिसीवेबल होगा इट वुड बी 100, राइट? अच्छा, अब लेकिन अगर मैं मजीद सेल करूंगा तो मेरा रिसीवेबल और बढ़ेगा। जब ज्यादा सेल होती है तो ज्यादा रिसीवेबल होता है और कम सेल होती है तो कम रिसीवेबल होता है। अब आप देखिए, आपके पास तारीख गवाह है 21 तारीख को, नीचे देखो, इधर देखो भाई, 21 तारीख को आपने सेल की, ऐसा ही है, 21 तारीख को दोबारा आपका रिसीवेबल बढ़ गया, एम आई राइट? कितने से बढ़ गया? मीनवाइल देयर इज नो रिसीवेबल, इधर देखिए, 9 तारीख के बाद 12 को नो रिसीवेबल, 15 को नो रिसीवेबल, 18 को नो रिसीवेबल, और 21 को हमारा रिसीवेबल दोबारा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 810 रिसीवेबल एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट नहीं, अभी एसेट बढ़ रहा है ना भाई, 810 से आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया है, उसकी रीजन क्या है? सेल। अब आप देखिए, इसके बाद हमारे पास रिसीवेबल की कोई और ट्रांजेक्शन मौजूद नहीं, ना मौजूद। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे पास अभी ओके, नो इशू, नो इशू, मेरा नमाज भी देखे, दैट्स व्हाई शायद, ठीक है, नो इशू, ओके, कम टू द पॉइंट। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि हमारे पास 340 में से 240 का चेक आ गया था, तो हाउ मच, कितना बच गया था बैलेंस? 100, यस, 100 के बाद दोबारा कितने की सेल हुई है? इसका मतलब है अब रिसीवेबल का बैलेंस कितना होना चाहिए? अब यही बैलेंस आएगा। आप देखिए, असल में ये आपको बार बार कुछ चीजें रिकॉल इसलिए करूं ताकि आपको लेजर की इंपॉर्टेंस पता चले। लेजर आपको क्या बताता है? पर्टिकुलर डेट का बैलेंस, आज कितना कैश का बैलेंस बच गया, आज कितना पेएबल है, आज कितना रिसीवेबल है, पूरे ड्यूरिंग द मंथ कितने की सेल हुई, कितने की परचेजेस हुई। तो यहां देखिए, अगर मैं डेबिट साइड पे देख रहा हूं तो डेबिट साइड की अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट, तो ये मेरे ख्याल से हो रहा है 1150, एम आई राइट? 1150 में से 240 जरा माइनस करो, नहीं भाई, 910 रुपए आना चाहिए, जी 910 आ रहा है, चेक करें, 1150 माइनस 240, ओके 910। अब आप देखिए ना, अभी हमने वैसे ही जर्नल जब कैलकुलेशन की तो हमने ये कहा कि हमारे पास 340 की सेल हुई, उसमें से कितने का चेक मिल गया था? 240, वेरी स्ट्रेट, कितना बैलेंस बच गया था? 100। उस 100 के बाद फर्दर कितने की सेल हुई? 810। उसके बाद सब्सिक्वेंटली वी डोंट रिसीव एनी चेक, एनी कैश, मींस 910 वुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस। देखिए 910 आ गया। अब ये जो 910 है, 910 से मुराद 910, दिस इज योर क्लोजिंग रिसीवेबल, और ये कैरिड डाउन अदर क्रेडिट पे है, तो वेयर वुड बी बैलेंस ब्रॉट डाउन? ऑन द डेबिट साइड, हाउ मच? 1150 और 910, ओके, जो अमाउंट कैरिड डाउन होती है वही अमाउंट ब्रॉट डाउन होती है, ठीक है। ये एरो वगैरह या सर्कल करना ये जरूरी नहीं होता है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आउट ऑफ 10 हमने 6 लेजर बना दिए। सातवां लेजर किसका नजर आ रहा है? सेल्स। भाई सिकनेस में चल रहा हूं ना, सिराते मुस्तकीम, 6 लेजर बना दिए। लेजर नंबर 7 है सेल्स। आपने 4 तारीख को सेल्स की, सेल्स कितने से क्रेडिट हुई? 340 से। अच्छा, अभी जरा देखिएगा, नेक्स्ट लेजर में यहाँ पे स्केच कर रहा हूं सेल्स का, लेजर नंबर 7, एम आई राइट? नो, अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली राइट, ओके, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट की कितने से? क्यों, वजह क्या थी? अकाउंट रिसीवेबल, सेल आपने उधार पे की, पैसा मिला नहीं है, मिलेगा, मिलेगा बोले तो रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, राइट? तो हमने अकाउंट रिसीवेबल वॉज द रीजन, 340 आपकी अमाउंट है,
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है और मई की 4 तारीख, इज दैट क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास 6th, देयर इज नो कैश सेल्स ट्रांजेक्शन। 9th को अगेन, व्हाट अबाउट 12th, 15, ओके 21 को हमने दोबारा सेल की, हाउ मच इट वॉज, कितने की 810। दोबारा सेल करूंगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ती तो क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एम आई राइट। 21, एनीथिंग एल्स, डू वी हैव एनी मोर सेल्स? बस दो मरतबा सेल की, कुल्लू सेल मौजूद, इसका मतलब है इन दोनों को प्लस कर ले तो टोटल सेल पता चल जाएगी 1150। पैलेस कैरेट टाउन में 31st, राइट। कितने टोटल लेजर बनाने थे? 7 लेजर बना दिए, बाकी रह गए 11। टोटल कितना आएगा और ब्रॉट डाउन भी कितना होगा, बिकॉज यहां पे सिंगल साइड पे ट्रांजेक्शन थी, एम आई राइट, ओके। इधर देखिएगा स्टूडेंट, कैरेट डाउन वाली अमाउंट आपकी ब्रॉट डाउन होती है, तो ये जो कैरेट डाउन है यही आपकी ब्रॉट डाउन होगी, इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मैं थोड़ा सा चारों के क्विक हो जाए, और अब चूंकि जो बाकी 3 लेजर है वो बहुत ज्यादा उसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है, जो लेजर नंबर 8 है वो क्या है, लेजर नंबर 9 जो है वो क्या है, और 10, इन तीनों में सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन है, तो मैं कुछ समय बचाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इन मतलब वक्त बचाना चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों लेजर मैं पैरेलल एक साथ स्केच कर दूँ, ठीक है, तीनों लेजर में एक साथ स्केच कर रहा हूँ ताकि हमारा कुछ वक्त कुछ समय बच जाए। साइलेंट, स्टॉप टॉकिंग, जो बातें कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार फरमा के सवाब दार हासिल फरमाएं। जी भाई, कौन सा लेजर बनेगा यहाँ पे? प्रीपेड ट्रेड। भाई कल की क्लास की टाइमिंग तो पता है ना सबको, कितने बजे? 8:30 इंशाल्लाह। प्रीपेड ट्रेंड और उसके बाद लेजर नंबर 9 होगा कैरिज एक्सपेंस, राइट, और लेजर नंबर 10 क्या होगा, सैलरीज एक्सपेंस। ओके, प्रीपेड ट्रेंड आपने डेबिट किया है, इधर देखिए ऊपर देखो भाई, प्रीपेड कितने से डेबिट किया, 180। प्रीपेड के डेबिट होने की रीजन, तारीख कौन सी थी, तारीख गवाह है, इट वॉज मे 6, और प्रीपेड ट्रेंड डेबिट हुआ 180, व्हाट वाज द रीजन, कैश वाज द रीजन, इसके अलावा प्रीपेड पे कोई और ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब है सेम अमाउंट इस साइड पे क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन, और दिस वुड बी 180 एज वेल, और जो कैरेट डाउन होता है वही अमाउंट आपका क्या होता है, ब्रॉट डाउन होता है, तो हमारे पास जो ब्रॉट डाउन होगा वो कौन सी साइड पे आएगा, ब्रॉट डाउन वुड बी ऑन द डेबिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 180। ओके, नेक्स्ट कौन सा है,
कैरिज एक्सपेंस में भी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, वन एंड ओनली वन. लुक एट दिस, कैरिज एक्सपेंस डेबिट हुआ है कितने से? व्हाट वाज द रीजन? 38 से ये डेबिट हुआ था. कैश वाज द रीजन. मिड ऑफ द मंथ मे 50. एनीथिंग एल्स? तो बैलेंस कैरिड डाउन किस तरह आ जाएगा? इज दैट क्लियर? 38. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ चला जाएगा? डेबिट साइड पे. कितना? 38. ओके. लास्ट कौन सा लेजर बनेगा? सैलरीज. सैलरीज का जो लेजर होगा, सैलरी एक्सपेंस आपने डेबिट किया है लास्ट डेट पे. एम आई राइट? लास्ट डेट पे सैलरी कितने से डेबिट हुई है? लास्ट डेट पे आप देखें सैलरी एक्सपेंस कितने से डेबिट हुआ है? 230. ओके. यस, 230 से सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ. रीजन क्या थी? कैश या बैंक? अच्छा भाई, 230 मे 31st और रीजन वॉज बैंक. एम आई राइट? जी भाई, क्लियर है सबको? लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कि लेजर आपको हर हेड का सेपरेट बैलेंस दे रहा है. बैलेंस कैरिड डाउन वुड बी 230. अच्छा भाई, अब एक छोटी सी बात सुने. अभी अगला स्टेप हमारा जो है वो अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस होता है और साइकिल हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं. हमने बिजनेस से स्टार्ट किया था वंस अपॉन अ टाइम, जब आप लोग इस क्लास में आए थे और हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. फिर हमने बिजनेस की ट्रांजेक्शन को डिस्कस करना शुरू किया. जब आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बिजनेस की क्या होती है? ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन को आप सबसे पहले कहाँ जाके रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस की ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री, जिसको क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी अगर मैं प्लीज जो बातें कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है. हमने स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और फिर आपने कहा कि जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने बिजनेस की क्या आती है? ट्रांजेक्शन. उन ट्रांजेक्शंस को हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे? और अभी आज हमने देखा कि जीजे को सामने रखते हुए हमने जीएल बनाया. एम आई राइट? अब हम जीएल को सामने रख के टीबी बनाएंगे. टीबी ट्रायल बैलेंस, राइट? नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस, राइट? वो बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ दो. बिजनेस में होती है ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल. जर्नल से इंपैक्ट कहाँ जाता है? लेजर. लेजर से इंपैक्ट अब कहाँ जाएगा? अब ये आपके पास, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ट्रायल बैलेंस है ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर जो है वो 7 है. चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर 6 का नाम था डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग, यानी जर्नल जर्नल और जर्नल लेजर. हमने खास तौर पे ये टेलर के सवाल को बहुत ज्यादा फोकस किया. इसकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को किसमें रिकॉर्ड किया सबसे पहले? ये हाजा जर्नल जर्नल, और जर्नल जर्नल से क्या बनाया? लेजर. ये नेक्स्ट पेज पे भी लेजर है. अब हम उसके अगले पेज पे क्या बनाने जा रहे हैं? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान है. विद इन 5 to 10 minutes ट्रायल बैलेंस, ये भी है ज्यादा बता रहा हूं, बन जाएगा. बिकॉज के ट्रायल बैलेंस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इधर बताएं हाउ मेनी लेजर्स आर देयर? 10. आपने एक कॉलम स्केच किया और आपने यहां पे
लिखा सीरियल नंबर, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और टोटल आ जाएगा नीचे, राइट। उसके बाद आपने यहां पर लिखना है पर्टिकुलर्स, उसके बाद चाहे तो एक कॉलम बना दे किसका, वो नॉट नेसेसरी, और उसके बाद दो कॉलम होंगे एज यूजुअल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, राइट। तो एक कॉलम होगा डेबिट का और एक कॉलम होगा क्रेडिट का। अब यहां पे हमारे पास पर्टिकुलर्स, P/R, डेबिट। अच्छा एक बात सुन ले, इस सवाल की करेंसी साइन यूरो है, ये मैंने करेंसी साइन यहां पे बना दिया, और क्रेडिट ये फॉर्मेट किसका है, ट्रायल बैलेंस। अब आप देखिए, बार बार मैं एक बात सुबह से रिपीट करूं कि जब जर्नल बना रहे थे, जर्नल तो सामने क्या रखा हुआ था, सोर्स क्या रखा था, ट्रांजेक्शन। अभी मैं जब लेजर बना रहा था, बार बार मैं किसको देख रहा था, अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो किसको देखूंगा, लेजर को, सोर्स मेरी चेंज हो रही है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे 10 हेड्स है और मुझे सीक्वेंस ऑलमोस्ट याद है, मैं कोशिश करता हूँ उसी सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। इधर देखिएगा, पहला टाइटल कैश था, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, दूसरा टाइटल बैंक था, तीसरा टाइटल टेलर्स कैपिटल, टेलर्स कैपिटल, चौथा टाइटल परचेसेस, अकाउंट्स पेबल, एम आई राइट, देन अकाउंट्स रिसीवेबल, देन सेल्स, सेल्स था, देन प्रीपेड रेंट था शायद, एम आई राइट, देन कैरिज एक्सपेंस, देन सैलरीज एक्सपेंस, ओके। अब मैं यहां पे सबसे पहले हेडर में बता दूं, हेडर मैंने अब तक नहीं बनाया, जिस तरह मैंने यहां पे जब जर्नल एंट्रीज बनाई थी, टॉप पे 3 लाइन का हेडर था, मिस्टर टेलर जीजे फॉर द मंथ ऑफ मे 2016, मिस्टर टेलर, ये भी मैं हेडर यहां पे लिखना भूल गया, ये मिस्टर टेलर की अकाउंटिंग की थी, और मिस्टर टेलर के हमने क्या बनाए थे, लेजर, जर्नल लेजर, नॉमिनल लेजर और टी अकाउंट, कौन से महीने के बनाए थे, फॉर द मंथ ऑफ मे, अब मैं यहां पे जो हेडर होगा, पहली लाइन तो मिस्टर टेलर, दूसरी लाइन पे क्या हेडिंग आएगी, ट्रायल बैलेंस। अब ये फॉर द मंथ नहीं होता, ये सुन लें, ये आपका एक कट ऑफ डेट पे होगा। अब हमारी अकाउंटिंग इस वक्त 1 महीने की थी, वी हैव ओनली 1 मंथ ट्रांजेक्शंस, हमारे पास सवाल में मई 1 से लेके मई 31 तक की ट्रांजेक्शन है, 31 नहीं भी होती तो हमारी कट ऑफ डेट इस मंथ की लास्ट होती है 31, तो ये होगा एज ऑन या एज एट, एज एट मई 31, 2016, ये इसकी आज की कट ऑफ डेट। अब मेरे पास इन सारे लेजर्स के आज के बैलेंस मौजूद हैं, बैलेंस तो कैरी डाउन भी मौजूद है और बैलेंस तो ब्रॉट डाउन भी है, लेकिन मैं बार बार ड्यूरिंग लेजर ये बात आपको बताता रहा कि हमारा जो एक्चुअल बैलेंस होगा वो कौन सा होगा, डेबिट नहीं होगा भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन या पीएफ। अच्छा अब इधर आ जाए, कैश का बैलेंस कितना है, 582. अच्छा 582 अगर आपने सिर्फ बोला ना, अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 582
डेबिट पे भी मौजूद है और 582। अब मैं ये जब लेजर पे सॉरी ट्रायल बैलेंस पे इसका लेजर लिखूंगा तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार मैं इसको डेबिट पे लिखूं या क्रेडिट। बच्चे कह रहे हैं 582, लेकिन 582 कौन सा कैरी डाउन फोकस करेंगे या ब्रॉट डाउन? क्योंकि कैरी डाउन तो सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि दोनों साइड क्या हो सके, अदरवाइज जो एक्चुअल बैलेंस होता है उस लोकेशन पे जाता है जो बैलेंस करने से पहले बड़ी साइड होती है। उसके बाद देखिए जरा कैश का सॉरी बैंक का अकाउंट हाउ मच और साइड भी बताइएगा। ब्रॉट डाउन नहीं बोलो, बस बैलेंस बताओ और डेबिट लोकेशन साथ में बताओ, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, आ जाए जरा इधर कैपिटल का कितना अमाउंट है, बैलेंस 3000 डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट 3000 क्रेडिट। अगला लेजर तो हमने नाम लिख दिया है, खाली मुझे अमाउंट और लोकेशन बताए। डेबिट ओके, अगला बताए फाइव जीरो वन क्रेडिट, इज दैट क्लियर? 501 क्रेडिट। नेक्स्ट 910 आधा डेबिट साइड ओके। नेक्स्ट देन 180 डेबिट। नेक्स्ट दोनों बता दें एक साथ 38 डेबिट और इधर देखिएगा सब लोग इधर देखिए 38 डेबिट एंड 230 डेबिट। अच्छा अब इसमें कुछ बातें ये आखिरी की कुछ चीजें हैं ये गौर से समाप्त फरमा लें क्योंकि अराउंड भी है ऑलमोस्ट 15 to 17 minutes। 38 था और 230। अच्छा अब ये कुछ बातें सुन लें गौर से। पहली बात तो ये है कि हमने जब ये सवाल सॉल्व किया तो हमारे सवाल में टोटल कितने लेजर थे, 10। तो पहली चीज तो ये ध्यान में बिठा लें कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपके लेजर जो है ना वो इवन नंबर में हो, 10, 12, 14 ऐसा नहीं है। और 10 भी कोई लिमिट फिक्स, ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं एक जगह एक किताब में या कहीं क्वेश्चन देख रहा था MCQ टाइप के सवाल जो होते वहां पे सवाल पूछा गया था कि लेजर की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, तो इट डिपेंड ऑन कंडीशन, नो लिमिट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ऐसी शरीयत नहीं है। अच्छा अब दूसरी बात, ये 7 भी हो सकते थे, ये 11 भी हो सकते थे। ये 7, 11 इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि अगर ये 10 टाइटल थे तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 5 के बैलेंस डेबिट आ गए 5 के क्रेडिट, नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है इसमें ये भी हमारे सामने 7 डेबिट में आए और कितने क्रेडिट में बैलेंस आ रहे, 3। हो सकता है ये 8 और 2 का रेशो होता, हो सकता है ये 5 और 5 का रेशो भी हो सकता था, 3 और 7 का भी हो सकता था, 7, 3 है अभी, या 4, 6 भी हो सकता था, लेकिन होंगे दोनों साइड पे क्योंकि टोटल शुड बी इक्वल। डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस जो आप करेंगे ना ये बराबर आना चाहिए। किसी ने बैलेंस कैलकुलेट किया है? बराबर आ रहा है 4651 बोथ साइड पे, ओके ऑल इज वेल। अगर ये बैलेंस आपका बराबर नहीं आता तो फिर इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, मतलब फिर आपने कोई ना कोई गलती की है। अदरवाइज ये अगर बैलेंस बराबर नहीं आ रहा तो ये इस बात की कंफर्म गारंटी है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। अच्छा अब ये आपने यहां पे 10 लेजर के बैलेंस पुट किए, ये 11, 12, 13, 15, 20 कुछ भी हो सकते थे और कोई रूल नहीं था कि इतने डेबिट होंगे इतने क्रेडिट होंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन। दूसरी बात ये है कि हमारे पास होंगे दोनों तरफ के क्योंकि आंसर सेम आएगा, एक तरफ हो दूसरी तरफ ना हो तो फिर आंसर कैसे सेम आएगा। हो सकता है 9 और 1 का रेशियो होता लेकिन वो 9 की वैल्यू उस 1 के बराबर होती। एक बात ये आपको बता दूं, देखिए
अकाउंटिंग के रूल्स अगर आपको पता है ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये चलते हैं नॉर्मली। पांच हेड्स है ना, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रूल्स जो बाय डिफॉल्ट देखे जाते हैं ना, वो इंक्रीमेंटल इंपैक्ट से, इंक्रीजिंग इंपैक्ट से। तो बताओ कौन से नेचर ऐसे हैं जो बढ़ते हैं तो डेबिट, सिर्फ दो है, एसेट और एक्सपेंस। और कौन सी नेचर ऐसी है जो बढ़ते हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी, कैपिटल और debit। ये बात सबको पता है, तो याद रखे यहाँ जो डेबिट हो रहे ना, या तो वो एक्सपेंस होंगे या वो एसेट होंगे। आप चेक कर ले, आप ये देखिए कैश, इसकी नेचर क्या है, बैंक, अभी सिर्फ डेबिट वाले देखना, परचेस, एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड है, एवरी प्रीपेड इज योर एसेट, कैरिज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। अब आप मुझे बात बताएं, डेबिट पे सात हेड्स हैं, उसमें से तीन एक्सपेंस है और चार, क्योंकि डेबिट दो चीजें होती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, बाकी वो तीनों बढ़ते हैं तो अब उन तीनों के एक एक हेड से, हाजा कैपिटल, हाजा लाइबिलिटी एंड या हाजा रेवेन्यू। तो इसका मतलब है सारे हेड्स हाजा मौजूद, और उन सारे हेड्स में आपने बाय नेचर देख लिया, तो जो आपकी लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल है वो क्रेडिट होते हैं, उनके बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट साइड पे होते हैं, और एसेट और एक्सपेंस जो है उनके बैलेंस नॉर्मली डेबिट साइड पे होते हैं। एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं अटेंडेंस की तरफ जाऊंगा, और छोटी सी बात ये है कि ये साइकिल मैंने आपके सामने रखी थी कि बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर ट्रांजेक्शन होती है, जर्नल में जाती है, उसकी पोस्टिंग लेजर में होती है, उसके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। एक छोटी सी बात ये है, बहुत सारे यहाँ कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स मौजूद है, अक्सर उनको एक डेफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ाई जाती है, बहुत सारे डेफिनेशन है। कुछ लोग यहाँ पे डे वन आए थे, वो कह रहे थे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस या आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ व्हाट इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज जर्नल, जर्नल जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, ये आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। लेजर जो है ना वो एनालिसिस है, एनालाइजिंग। आप हर हेड की सेपरेट एनालिसिस कर सकते हैं लेजर से, हर लेजर आपको बताता है कौन से लेजर में कितनी ट्रांजेक्शन है, आज कितना बैलेंस है, कितना आपने इसको फ्रीक्वेंटली हिट किया है लेजर को। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी रिपोर्ट। मैच खत्म होता है, आखिर में समरी रिपोर्ट आती है, टॉप फोर बैट्समैन, टॉप फोर बॉलर्स, लेकिन वहां पे डिटेल मौजूद। अब यहां देखें, सिर्फ हर हेड का बैलेंस आ रहा है, क्या मुझे ये पता है इस 582 के पीछे क्या कहानी है? इस 582 के पीछे कहानी है कि 800 रुपए इन्वेस्ट हुए थे, 180 रेंट पे हो गया, 38 कैरिज के चले गए, लेकिन वो डिटेल कहां से मिलती है? लेजर से। एक प्लेयर का मैच समरी में 150 स्कोर लिखा हुआ होता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ होता कितने फोर, कितने सिक्स, कितने सिंगल, कितने डबल, वो कहां लिखा हुआ उसके लेजर में? समरी रिपोर्ट है ये, जस्ट समरी। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इज दैट क्लियर? और जो डेबिट साइड पे आपके बाय डिफॉल्ट बैलेंस होते हैं इधर एसेट और फिर एक्सपेंस, और जो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये चीजें आपसे पता है पेपर में बात दफा ही होगा, चार पांच हेड्स आपको उसने उठा के दे दिए, ये 10 हेड है ना, कोई चार पांच हेड आपको बता दिए, वो बोलेंगे बताओ उसमें से डेबिट वाले कौन से होते। आप नीचे ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, 1 2 5 1 2 3 1 2 6, मतलब वो होते ना कि ये डेबिट वाले, तो आपको पहचान होनी चाहिए एसेट और एक्सपेंस वाले बाय डिफॉल्ट ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट ऑन द। अच्छा, आप लोगों ने घर से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत डिटेल है, उसमें अगर आप लेजर में जाओगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। 2 मैंने करवा दिए, 3 4 और 5 को आपने कोशिश करना है कि जर्नल, जर्नल तो मैंने आपका डिस्कस कर लिया था, अब आप उसके क्या बनाए, लेजर, और लेजर के बाद
अच्छा लास्ट सेशन में मैं पढ़ा रहा था तो उन बच्चों ने अभी पेपर भी दिया, अलहमदुल्ला उनका पेपर क्लियर भी हुआ है। अभी मेरे पास रिजल्ट आपको पता है शायद अभी सैटरडे वाले दिन आया है, ठीक है। तो तवानीस के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पेपर भी दिया, दे दिया था मतलब कोई का भी। तो उसमें से एक बच्चा था, उसने बड़ी सफाई से ये सारे सवाल मेरे हैंडआउट के लेजर विद ट्रायल बैलेंस बनाए थे, उसके बैलेंस भी आ गए थे। तो मैं उससे कहूंगा वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप, लेकिन अभी नहीं, पहले आपने खुद करना है। एक बात सुन ले, नॉन कॉमर्स और कॉमर्स भी, नॉन कॉमर्स खासतौर पर, कॉमर्स वालों का इतना इशू नहीं है। कॉमर्स वाले अगर होमवर्क नहीं भी करेंगे ना, देखिए मसला है कि उनका पेपर ऑलरेडी एग्जाम है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स है उनको पेपर में अपेयर होना है, और पेपर में अपेयर होने के लिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग नॉट नेसेसरी कि आज करें, एक दो दिन का टाइम दे देता हूँ, आप लोग आज और कल में कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के लेजर और क्या बनाए। अच्छा अब एक बात सुन ले, हो सकता है आप जब ट्रायल बैलेंस बनाए तो आपके ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना आए, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बात ये है मेरे भाई, गिरते शेर सवारी मैदान जंग में, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। और इंसान प्रैक्टिस से सीखता है, हो सकता है आपको ये कद गलती, छोटी सी गलती करोगे ना ये बैलेंस नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छा ये ट्रायल बैलेंस पेपर में भी आता है, ठीक है ना, और ये ट्रायल बैलेंस का सवाल 10 नंबर का सवाल आता है पेपर में, ठीक है। और उसमें अब आप बोलेंगे सर पेपर में वहां कैसे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, वहां लेजर कैसे बनाएंगे, तो वहां तो वो लेजर आपको बोलेगा ही, वो लेजर के बैलेंस खुद आपको दे देगा, बोलेगा लेजर के बैलेंस से बस इसको कहां पुट कर दो। हाँ ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ होता है। आप कहें तो मैं आपको ट्रायल पेपर दिखाऊं उसका सवाल, कल नहीं अभी ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे ना। बहरहाल वो फॉर्मेट में बना हुआ होता है, ऐसा फॉर्मेट कुल्लू मौजूद, नो नीड टू टेक एनी टेंशन, फॉर्मेट मौजूद होगा आपको। फॉर्मेट पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हेड डेबिट में जाएगा, कौन सा हेड, क्योंकि आपको मैंने लेचर वाइज वो आपको ये नहीं बताएगा ये बैलेंस डेबिट में या बैलेंस, वो खाली टाइटल ऑफ अकाउंट के नाम और उनके आगे उसके क्या लिख के दे देगा बैलेंस, और नीचे फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट पे आपने वन बाय वन उन हेड को सिलेक्ट करना है और उन हेड के आंसर लिखने और उसको बैलेंस करना है। तो वो मैं कल वल शायद आपको प्रैक्टिस भी करवा दूं। आप लोगों ने घर से इसको कोशिश करना है, घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखना है, स्टेपिंग के मार्क्स होते हैं। फाइनल अगर पेपर में भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, तो 10 में से 0 नहीं मिलता, 10 में से 9, 9.5 नंबर मिल जाते स्टेपिंग के। कल मैं आपको जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ना तो उसमें गलती करके भी दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कितने मार्क्स दे रहे हैं, वो मार्क्स 1 या 2, 0.5 नंबर आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।